नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। समाज में सामाजिक समरसता लाने, छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात का भेद मिटाने को भारत रक्षा दल द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सामूहिक छड़ी भोज का आयोजन कलेक्ट्रेट चौराहे पर स्थित रिक्शा स्टैंड पर किया गया। इस भोज कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे भारत रक्षा दल के हरकिश विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि भारत रक्षा दल द्वारा यह कार्य विगत 25 वर्षों से प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इस भोज में हम लोग कार्यकर्ताओं के घरों में सामग्री लेकर खिचड़ी बनाकर सामूहिक रूप से खिलाया जाता है। नमक कोई चावल कोई दाल कोई सब्जी कोई देता है। एक खिचड़ी पर्व का मकसद भी है जिस पर संगठन कार्य कर रहा है। आज का यह भोज 12 बजे शुरू होकर शाम 4 बजे तक चला, जिसमें 800 लोगों ने खिचड़ी के साथ ही दही चटनी अचार लाई गुड़ भी खाया। इस अवसर पर संगठन के सभी पदाधिकारी लोगों के सेवा में लगे रहे। मैं उमेश कुमार जिला अध्यक्ष भारत रक्षा दल। आज भारत रक्षा दल द्वारा खिचड़ी का आयोजन किया गया, क्या क्या तो आप लोग 25 वर्षों से देख रहे होंगे भारत रक्षा दल का एक कार्यक्रम। जो हम लोगों ने जब से भारत रक्षा दल का जन्म हुआ है, जब से हम लोगों के अंदर एक भावना है कि जो ये सियासी पार्टियाँ जो जाति के नाम पे, धर्म मजहब के नाम पे राजनीति करती हैं, उसी को तोड़ने के लिए जाति तोड़ो देश जोड़ो के नाम पे हम लोग यह कार्यक्रम हम 25 वर्षों से कर रहे हैं, जिसमें हर धर्म जात मजहब के लोग रहते हैं। किसी के घर से चावल आ जाता है, किसी के घर से दाल आ जाता है, मटर आ जाता है, लाई इकट्ठा आ जाता है। तो हर धर्म जात मजहब के घर से यह सब सामान इकट्ठा करके बनाया जाता है, जो कि 25 वर्षों से चल रहा है। मेन मकसद हमारा यही है कि जात पात को मारो लात, आओ मिलकर खाए भात।